नई बहू की जादुई खीर पूड़ी। बॉबी रसोई के अंदर खड़ी होती है और वो यहाँ से वहाँ घूम रही होती है। कुछ कर बॉबी, कुछ कर। अगर तेरी सास को पता चल गया कि तुझे खीर पूरी भी बनाने नहीं आती तो पता नहीं तेरे साथ क्या होगा। बॉबी बहुत देर से परेशान हो रही होती है क्योंकि उसने कभी खाना बनाना सीखा ही नहीं था, जिसके चलते उसे अपनी माँ की याद आने लगती है। आज माँ होती तो मुझे ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती। माँ मुझे पहले ही सब कुछ सिखा कर भेजती। आज मेरी पहली रसोई है और पहली रसोई में ही सब लोग मेरी बेइज्जती करेंगे। अपनी माँ को याद करके बॉबी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। तभी उसकी स्वर्गीय माँ उसके सामने प्रकट होती है। अरे बॉबी, इतनी बड़ी हो गई हो और अभी भी बच्चों की तरह रो रही हो। मैंने तुम्हें बचपन में सिखाया था ना कि कोई भी परेशानी हो तो उसे समझदारी से सुलझाया करो। बॉबी अपने सामने अपनी स्वर्गीय माँ को देखकर अचंभित रह जाती है, जिसके बाद वो अपनी आंखों को मसलती है और अपने आंसू पोंछकर अपनी माँ से कहती है, माँ क्या ये तुम हो? मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि तुम यही हो। हाँ बॉबी, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। मेरी बॉबी इतनी प्यारी है कि मैं उसकी बेइज्जती थोड़ी होने दूंगी। चलो अब अपने हाथों को आगे करो। बॉबी अपने हाथों को आगे करती है, जिसके बाद शकुंतला उसके हाथों पर अपने हाथ रख कर कहती है, आज के बाद तुम जो भी खीर पूरी बनाओगी वो बहुत स्वादिष्ट और लाजवाब होगी। जो भी कोई खाएगा वह तुम्हारे गुणगान करने लगेगा। शकुंतला के इतना कहते ही उसके हाथों से रोशनी निकलती है और बॉबी के हाथों में चली जाती है। देखो बॉबी, तुम अपने हाथों की खीर पूरी के जादू के बारे में कभी किसी को मत बताना, मगर तुमने किसी को बताया तो तुम्हारा ये जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं ये सब किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। उसकी माँ के जाने के बाद बॉबी खीर पूरी बनाने लगती है। बॉबी बॉबी, आज सब खाएंगे बॉबी के हाथ की खीर पूरी, और ये भी मामूली खीर पूरी नहीं है बल्कि जादुई खीर। बॉबी जैसे जैसे खीर पूरी बनाने लगती है, खीर पूरी के अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आने लगती है। तभी उसकी सास उसके पास आती है। अरे बॉबी, कितनी देर हो गई, तुमने अभी तक खीर पूरी नहीं बनाई। वैसे तुम्हारी खीर पूरी में से खुशबू तो अच्छी आ रही है। बस माँ जी, खीर तो बनने ही वाली है, आप बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। आज मेरे हाथों की खीर पूरी के साथ साथ अपनी उंगलियां भी जाग जाओगी। अरे तेरी दो जेठानियां तो मुझे खीर खिलाकर खुश नहीं कर पाई, तू ही क्या खुश कर पाएगी। फिर भी मैं तेरी हाथों की बनी खीर जरूर खाऊंगी। अरुणा ये कहकर रसोई घर से बाहर चली जाती है, जिसके बाद थोड़ी ही देर में वो खीर पूरी बना लेती है और उस खीर पूरी को सभी के लिए परोस कर सबके पास लेकर आती है और एक एक करके सबको खीर पूरी खिलाती है। जैसी अरुणा खीर पूरी खाती है, उसे खीर पूरी बहुत अच्छी लगती है। क्या बात है, इतनी स्वादिष्ट खीर पूरी तो मैंने कभी नहीं खाई। अरे मैं तो कहता ही था, मेरी बहू बहुत ज्यादा गुणवाणी है, देखा कितने अच्छे गुण हैं इसके अंदर। अरे माँ, खीर पूरी तो सच में बहुत स्वादिष्ट बनी है। अब आप अपनी बहू बॉबी को उसकी पहली रसोई में इतनी अच्छी खीर पूरी बनाने के लिए कोई तोहफा नहीं दोगी? तोहफा? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अरे जरूर दूंगी। अरुणा अपने कमरे में जाती है और अपनी अलमारी खोलकर उसमें से डायमंड का नेकलेस निकाल कर लाती है और उस नेकलेस को बॉबी को देते हुए कहती है, ले बहू, तेरी दोनों जेठानियां तो इस डायमंड के हार को लेने के लिए कई बार खीर बनाती रही, लेकिन मुझे आज तक किसी की खीर पूरी पसंद नहीं आई। मैंने अपनी स्वर्गीय सास से वादा किया था, जो बहू मुझे सबसे अच्छी खीर पूरी बनाकर खिलाएगी मैं उसे डायमंड का नेकलेस दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी आपका। बॉबी को बहुत अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी जेठानियां ये सब देखकर जल भुन जाती है। अरे इस नई बहू ने आकर तो कमाल ही कर दिया। ओम फो, कते तो राटे काट रही है ये नई बहू। माँ जी ने मुझे तो कभी कुछ नहीं दिया, जब मैंने इतनी अच्छी अच्छी खीर पूरी बनाकर माँ जी को खिलाई थी। ये तो सरासर नाइंसाफी है। अंजलि के ये कहते ही बॉबी सुन लेती है, जिसके बाद वो एक कटोरी में खीर पूरी उठाकर एक चम्मच अंजलि के मुँह में डालते हुए कहती है, अरे दीदी, नाइंसाफी आपके साथ नहीं होगी, आप भी जरा खाकर देखिए मैंने खीर पूरी कैसी बनाई है। बॉबी एक के बाद एक चम्मच खीर पूरी की अंजलि के मुंह में डालती जाती है। अंजलि भी शौक शौक में खीर पूरी खाती है, फिर खाने के बाद उसे भी खीर पूरी बहुत पसंद आती है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी बनी है।
अरे दल बदलू, तूने तो मिनटों में पार्टी बदल दी। मुझे तो यकीन ही नहीं होता, इतने सालों से तू मेरे साथ थी और आज नई बहू के साथ हो गई। मैं इसकी हाथ की खीर पूरी कभी नहीं खाऊंगी। रितिका ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद सभी लोग खीर पूरी खाकर बहुत खुश होते हैं और शकुंतला बॉबी के हाथों की खीर पूरी दोबारा उससे बनवाती है। अरे बहू, खीर पूरी तो खत्म हो गई लेकिन मेरा मन नहीं भरा। एक काम कर, थोड़ी सी खीर पूरी और बना ले। बॉबी रसोई में जाती है और अपनी जादुई खीर पूरी बनाकर अरुणा के पास ले आती है। आए हाय हाय हाय, बहू क्या खीर पूरी बनाई है तूने, तूने तो मेरा दिल जीत लिया। अरुणा चम्मच भर भर के खीर पूरी खाने लगती है, उसे खीर पूरी बहुत पसंद आती है। जिसके बाद बॉबी अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ को याद करते हुए कहती है, अच्छा हुआ जो आज माँ आपने मेरी मदद की। आज अगर आपने मुझे अपनी जादुई शक्ति ना दी होती तो मैं जादुई खीर नहीं बना पाती। लेकिन मुझे ये राज अपने तक ही रखना होगा, अगर किसी को इसके बारे में पता चला तो मेरी जादुई शक्तियाँ हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। अरे आप लोगों ने तो ऐसा सुना ही होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं, तो कुछ बॉबी के साथ भी ऐसा ही होता है। वो ये सब कहती ही है कि उसकी जेठानी रितिका ये सब सुन लेती है। अरे वाह क्या बात है, इस बेचारी भोली भाली देवरानी का राज तो मेरे कानों ने सुन लिया। अब तो बेचारी का जादू भी गायब हो गया होगा। कल सासू माँ जी बहुत खुश होकर इससे सभी पंडितों के लिए खीर पूरी बनवाएंगी। कल पता चल जाएगा कि आखिर इस नई नवेली बहू को खीर पूरी बनाने आती है या नहीं। रितिका बहुत खुश होती है और कल का इंतजार करने लगती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सुबह सुबह हवन के लिए पंडित आ जाते हैं। बॉबी, मैं चाहती हूँ कि तू अपने इन शुभ और स्वादिष्ट हाथों से हमारे पंडितों के लिए एक स्वादिष्ट खीर पूरी बनाए। जा जल्दी से, फिर बना कर ले आओ। आप चिंता क्यों करती हो माँ जी, अभी देखो मैं कितनी स्वादिष्ट खीर पूरी बना कर लाती हूँ। बॉबी रसोई में जाती है और फिर बनाने लग गई है। वहीं दूसरी तरफ रितिका ये सब देखकर खुश हो रही होती है। कुछ देर में बॉबी खीर पूरी बनाकर सभी पंडित और अपनी सास अरुणा को परोस देती है। खीर खाने के बाद सभी पंडित शकुंतला से उसकी बहू की तारीफ करते हैं। अरे वाह, बहुत स्वादिष्ट खीर पूरी बनाई है जिसने बनाई है, हम उसे नेक देना चाहते हैं, जरा उसे हमारे पास बुलाइए। अरुणा बॉबी को बुलाती है, जिसके बाद सभी पंडित मिलकर बॉबी को अपने हाथों से नेक देते हैं। ये सब देखकर रितिका जलने लगती है और गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। अरे इसके जादुई खेल का रास्ता मुझे पता चल गया था, फिर इसने इतनी स्वादिष्ट खीर पूरी कैसे बनाई। तभी रितिका के सामने बॉबी की स्वर्गीय माँ प्रकट होती है और उससे कहती है, क्योंकि बॉबी बहुत समझदार है, जब उसने अपनी पहली रसोई पर सबके लिए खीर पूरी बनाई थी तो उसके दिमाग में अच्छी खीर पूरी बनाने का सभी तरीका बैठ गया था और इसी वजह से उसने बिना जादू के भी अच्छी खीर पूरी बनाई। आप कौन? मैं बॉबी की स्वर्णिम माँ हूँ। ये सुनते ही रितिका अपने कमरे में ही बेहोश हो जाती है। उस दिन के बाद से रितिका बॉबी से बैर करना छोड़ देती है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है। अनाथ मोची की जादुई दुल्हन। जौनपुर गांव में गोपी नाम का एक गरीब मोची रहता था। बेहद कच्ची उम्र में उसके माता पिता इस दुखदाई दुनिया को अलविदा कह गए। अपने पीछे उस बच्चे के लिए एक झोपड़ी के सिवा कुछ नहीं छोड़ गए। एक रात गांव में बहुत तेज तूफान उठा, बिजली भी जोर जोर से कड़क रही थी। भगवान जी, आपने मेरी माँ बाबूजी को मुझसे क्यों छीन लिया, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, न मेरे पास कुछ भी खाने को है, न ही भूख के मारे न मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। अनाथ गरीब गोपी भूख से छछनता हुआ रात भर रोते रोते नींद की गोद में समा जाता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जागकर वह अपने मोची पिता के झोले को लेकर बाजार आता है। वहां से गुजर रहे रईस रामलाल को घेर कर कहता है, जूते चप्पल सिलवा लो, बूट पॉलिश करवा लो। साहब जूते पॉलिश करवा लो, 5 रुपए में कर दूंगा, 2 दिन से इस गरीब के पेट में एक दाना नहीं गया। अनाथ बच्चे की बेहाली देखकर रामलाल का दिल पसीज जाता है और वह ना चाहते हुए भी जूते पॉलिश कराता है। ये लो साहब, दोनों जूते पॉलिश कर दिए हैं। अरे वाह बच्चे, तू तो बड़ा मेहनती है, तेरे हाथों ने तो मेरे जूतों की शान ही बदल दी। ये ले, तो 5 की जगह 10 रुपए रख। रामलाल गरीब मोची के लिए सहानुभूति दिखाकर उसे 10 रुपए देता है। शुक्रिया भगवान, अब इस 10 रुपए के पाव खरीद लेता हूँ, माना कि उससे पेट भर नहीं पर आधा पेट तो भर ही जाएगा। दिन बीतते हैं और गरीब मोची पूरी मेहनत से अपना काम करता गया और 11 साल का लंबा
समय गुजर गया। कल का गरीब बच्चा 22 बरस का हो गया था। तभी गरीब मोची के बराबर में मनोहर नाम का एक नए मोची ने साल भर पहले ही वहाँ डेरा डाला था। मनोहर गरीब मोची गोपी को नीचा दिखाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता था। अरे भाई मोची महाराज, सुना है कल तू खुद ही अपने लिए लड़की ढूंढने निकला था, मिली क्या कोई अप्सरा? अरे तुझ जैसे तेनाली राम को अप्सरा तो क्या कोई लंगड़ी लूली लड़की मिलना भी मुमकिन नहीं। एक तो अनाथ, ऊपर से गरीब मोची। अरे तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। सालों से मोची की दुकान खोले बैठा है मगर अपनी झोपड़पट्टी को एक मकान में भी नहीं बदल सका। ऐसे में तुझ फटे हाल को भला कौन सा बाप अपनी बेटी देगा? ये सुनकर गरीब मोची के मन में उथल पुथल मचने लगती है और वह जमीन में नजरें गड़ाए अपनी आंखों में झुलमिलाते आंसुओं को छिपाने लगता है। उस रात मोची घर लौटते वक्त खुद से बातें करता है। दुनिया दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है मगर जी तोड़ मेहनत के बाद भी मैं मोची 11 साल बाद भी गरीबी में दिन काट रहा हूँ। गरीब मोची अपनी गरीबी को सोचता हुआ बेमन से रूखी सूखी रोटी और प्याज खाकर सो जाता है। समय बीतता है। कुछ ही सप्ताह के बाद सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। एक दिन जब मोची हाथों में झोला लटकाए बाजार की ओर बढ़ रहा था तभी भूख से बिलखती एक भिखारिन लड़की उसका रास्ता रोकते हुए कहती है, मुझ भिखारिन पर तरस खाओ, मैंने कई दिन से कुछ भी नहीं खाया, कुछ खाने को दे दो। तुम तो ठंड से ठिठुर रही हो, मेरे साथ चलो। मोची उस भिखारिन को घर लाकर उसे स्वेटर और खाने को देता है। दिन बीतते हैं। गरीब मोची के गैर हाजिरी में भिखारिन उसके घर का सारा कामकाज कर दिया करती। गोपी उस भिखारिन के साथ शादी के सपने बुनने लगा और एक दिन वह अपने मन की बात बोल पड़ा। मेनका, मैंने हमेशा से अपने मन में ये सोच रखी थी कि मैं किसी गरीब लड़की से शादी करूंगा और देखो भगवान तुम्हें भिखारिन के भेष में मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्या तुम मुझ गरीब मोची की बीवी बनोगी? ये सुनकर मेनका खुशी से चहक उठती है, जिसके बाद मेनका और मोची एक मंदिर में शादी कर लेते हैं। मोची जैसे ही मेनका को घर लेकर आता है वह भिखारिन अप्सरा जैसे जादुई दुल्हन के भेष में बदल जाती है। उसके लंबे लहराते केश, गुलाबी होंठ, नीली आंखें और दूधिया चेहरे पर सजे 16 श्रृंगार को देखकर गरीब मोची दंग होकर आंखें मीचते हुए बोलता है, तुम कौन हो और मेरी दुल्हन कहाँ है? मैं ही तुम्हारी दुल्हन हूँ गोपी, भिखारिन का भेष धरकर मैं तुम्हें भाप रही थी। तुम बेहद भले इंसान हो, दरअसल मैं जादुई दुल्हन हूँ। मुझे ऐसे हमसफर की तलाश थी जिसके मन में सूरत से बढ़कर सीरत के मायने हो और तुम मेरी सोच में खरे उतरे। मगर मैं कैसे मान लूं कि तुम जादुई दुल्हन हो? मोची का सवाल सुनकर सुंदर जादुई दुल्हन खिलखिलाते हुए जैसे ही चुटकी बजाती है गोपी की झोपड़पट्टी एक सुंदर महल में बदल जाती है। अब तो यकीन हो गया होगा गोपी कि तुम्हारी दुल्हन जादुई है। जादुई दुल्हन, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए खाना बनाओगी? अरे खाना बनाने की क्या जरूरत है, तुम बस ये बताओ कि खाना क्या है। जादुई दुल्हन का सवाल सुनकर गरीब मोची के दिमाग में 56 भोग की छवि उभर आती है और वो कहता है, पिछले 11 साल से मुझे गरीब मोची ने अच्छा खाना नहीं खाया, बस प्याज रोटी से ही पेट भरता आया हूँ। आज मैं 56 भोग से भरी थाली का स्वाद चखना चाहता हूँ। ये सुनकर जादुई दुल्हन जिन्न के जैसे अपने हाथों को हवा में घुमाने के साथ सुनहरी रोशनी के साथ 56 भोग की थाली से भरपूर खाना प्रकट करके गोपी के आगे परोसती है। ये लो मेरे प्यारे पति देव, आपका हुक्म हाजिर है। खाने की खुशबू से मंदा गरीब मोची थाली पर टूट पड़ता है कुछ देर बाद। शुक्रिया मेरी जादुई दुल्हन, तुम्हारे दिए दावत के कारण आज पूरे 11 सालों के बाद मुझे गरीब मोची ने प्याज रोटी को भूलकर 56 भोग से भरी इस पूरी पकवान से पेट भरा है। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे गरीब का ओछा जीवन ऐसे बदल जाएगा। अब बस भी करो मेरे प्यारे पति देव, अपनी जादुई दुल्हन को दाना मत डालो। नहीं जादुई दुल्हन, मैं तो तुम्हारे पैरों के धूल के बराबर भी नहीं। तुम कहां अप्सरा जैसी सुंदर और मैं ठहरा गरीब मोची, मेरा तुमसे क्या मेल? गोपी की इन बातों ने जादुई दुल्हन को एक ओछापन दिखाई देता है। बावजूद उसके उस पल जादुई दुल्हन दरिया के जैसे शांत स्थिर थी। अगली सुबह, जादुई दुल्हन मैं बाजार जा रहा हूँ, कई दिनों से मैंने मोची की दुकान नहीं लगाई इसलिए जाना होगा।
जरा ठहरो तो मेरे प्यारे पति देव, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? क्या हुआ मेरी जादुई दुल्हन, तुम मुझे तिरछी नजर से निहार क्यों रही हो? जानता हूँ कि मैं तुम्हारे सामने जोकर के जैसा लगता हूँ। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे पति देव, मगर जादुई दुल्हन का पति ऐसे फीके पहनावे में बिल्कुल भी नहीं जचता। तुम्हें बिखराव की नहीं, बस कुछ बदलाव की जरूरत है। ऐसा सोचते हुए जादुई दुल्हन एक मंत्र बोलती है। चल मेरे जादुई हाथ, दे मेरा साथ, मेरे प्यारे पति देव की बदल दे तू जात। फिर जादुई दुल्हन जैसे ही 3 बार तालियां बजाती है, मोची एक नौजवान राजकुमार के रूप में बदल जाता है। उसके चेहरे पर उतरा नूर देखकर जादुई दुल्हन कहती है, अरे वाह, क्या बात है, तुम तो मोची से मिर्जा बन गए, जरा आईने में खुद को देखो तो। अरे वाह जादुई दुल्हन, तुमने तो मुझ मोची को शाही राजा जैसा कर दिया। मेरे प्यारे प्रीतम प्यारे, तुम जादुई दुल्हन के पति हो, अब तो तुम्हारे मन में कोई मलाल नहीं रही। और रही बात मोची की, तो ज्यों की अब तुम्हारी जोड़ू एक जादुई दुल्हन है, तो इतनी मेहनत क्यों करनी? नहीं जादुई दुल्हन, भगवान ने अगर तुम्हारे अंदर रज रज के जादू दिया है, तो इससे गरीब और बेसहारों की मदद करो। मुझ मोची को और कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझ गरीब की जीवन संगिनी हो, यही बहुत है। मोची के मन की भली इच्छा जानकर जादुई दुल्हन का मन भी बाग बाग हो जाता है। हम सभी स्वार्थी हैं जो अपना बेहतर चाहते हैं, मगर गोपी को अपनी होड़ नहीं थी। उसने मोची बनकर 11 साल की गरीबी को बेहद करीब से महसूस किया था, इसलिए जादुई दुल्हन मिलने के बाद उसने खुद तो मोची बनकर मेहनत से रोटी कमाया, मगर अपनी जादुई दुल्हन के द्वारा गरीब और मसूलबों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया।